वैकल्पिक रोड जो है ये कहने लग रहे हैं 4.5 किलोमीटर का एक और रास्ता जो गांव वाले ने लगाया है कि उनकी सहूलियत के हिसाब से है और ठीक है, और वो जो 20-25 किलोमीटर का रास्ता घूमते इन जाना पड़ेगा, आपसे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है जी, एक तो आदमी 4 किलोमीटर की दूरी से आवा, एक 20 किलोमीटर की दूरी से आवा, तो फर्क तो है ही। तो गंगवा साहब को हमने दिए थे, उसमें तीन नक्शे थे। हमने उनको साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारे को इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो एक रास्ता हमारे को सुन के आप दे दें। तो गंगवा साहब ने हमारे से हफ्ता भर का टाइम मांगा था, आज मिलेंगे, अगर वहाँ से बात नहीं बनती तो हम गंगवा साहब को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा। आज आप इनके समर्थन में आए हो, गांव के जो लोग बैठे हैं या बातचीत करने आए हो सरकार के नुमाइंदे की तरफ? हाँ हाँ, मेरा भी समर्थन भी है, बातचीत भी करेंगे, कोई बात नहीं, मैं गांव वालों के साथ हूँ और जो इनकी बात जहाँ तक मेरे से पहुँचाई जाएगी, श्री गंगवा साहब के पास, श्री माननीय कमल गुप्ता जी के पास, निकाय मंत्री जी के पास, और भी जो लोकल विधायक हैं उनसे हम सारे मिल करके बात करके आगे तक जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ी तो हम उनके साथ गांव वालों के साथ बैरियर की बात करें या बैरिकेडिंग की बात करें, बैरिकेडिंग लगा दी है, लगता नहीं आपने कि बातचीत जब सरकार के नुमाइंदे बीच में आके बातचीत करने लग रहे हैं तो थोड़ा सा प्रशासन जो है उसने भी होल्ड पर रखना चाहिए इस मुद्दे में? इस बारे में बात करेंगे, अगर मैं बगैर बात करें गंगवा साहब से बात करेंगे, कहेंगे भी प्रशासन परेशान करें। बिल्कुल जी, कल आपने देखा है जैसे बैरिकेडिंग जो है वह लगा दी गई थी, और कैमरामैन साहब ने भी थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, अब भी जो है पुलिस की टीम लगातार PCR जो है यहाँ पे जो आप देखने लग रहे हो, ग्रामीणों ने यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया है, जब तक जो है कोई भी या बैरिकेडिंग जो है कल आ चुकी थी और आज कहीं ना कहीं ये कहा जाने लग रहा था कि आज इस रोड न बंद कर दिया जाओगा, लेकिन फिलहाल गांव के लोग जो है धरने पर बैठे हुए उसके बाबत अभी तक रोड जो है नहीं बंद रहा है। विधायक जो है बरवाड़ा के ज्योतिराम सियागजी भी समर्थन लेके जा चुके हैं, कल रात ने लेट पहुंचे थे, जैसा आपने सुना 9 बजे के करीब विधायक जी पहुंचे थे घर में सरपंच के, और वहां पे भी उन्होंने यही कहा कि रोड जो है जब तक वैकल्पिक एक और रोड नहीं दिया जाता जब तक रोड बंद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन की बात करें, चाहे DC की बात करें, SP की बात करें या पुलिस प्रशासन की टीमों की बात करें, तो लगातार दबाव जो है एक तरह का वो बनाया जाने लग रहा है गाँव के लोग जो धरने पर बैठे हैं उनके ऊपर। तो आपका वीडियो पर कहना है, शेयर करें।